किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले राइस हॉर्न कैटरपिलर यानी सिंग वाले कैटरपिलर के बारे में। ये कैटरपिलर धान की पत्तियों को किनारों की तरफ से खाते हैं और किनारों को ज्यादा खाने की वजह से ये किनारे धान की पत्तियों से गिर जाते हैं। किसान भाई, यह कैटरपिलर हरे रंग का होता है जिसके चार सिंग होते हैं, दो सिर पर जो लाल होते हैं और दो पीछे की ओर। इस कैटरपिलर के चेहरे पर काले तथा सफेद रंग की धारियां होती हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप इस कैटरपिलर को अपने खेत में बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं। इसके दो सिंग सिर पर होते हैं जो लाल होते हैं और चेहरे में काली और सफेद रंग की धारियां होती हैं, और ये पूरा कैटरपिलर हरे रंग का होता है और दो सिंग इसके पीछे की ओर होती हैं। ये इस कैटरपिलर की प्यूपा में जाने से पहले की अवस्था है। इसके बाद यह प्यूपा अवस्था में आ जाता है। प्यूपा अवस्था में ये धान की पत्तियों को नहीं खाते हैं। किसान भाई, इस कीट का जो वयस्क होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है जिसके आगे के पंखों में आंख की तरह काले तथा पीले निशान होते हैं तथा पिछले पंखों में आंख की तरह छह धब्बे होते हैं। किसान भाई, वैसे तो इस कीट का धान में बहुत ज़्यादा नुकसान करने की अभी तक कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इस कीट का नियंत्रण करना चाहते हो तो धान के कटाई के बाद खेत की एक गहरी जुताई करें ताकि इस कीट के जो अंडे होते हैं वो जो खेत में आपके छुपे होते हैं मिट्टी के नीचे, वो मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाएं और पक्षी इन अंडों को खा लें, जिससे आपके खेत में इन कीटों की संख्या कम हो जाए। धान के खेत के आसपास मेड़ में जो घास होती है उसको आप काटते रहें। आप जैव नियंत्रक जैसे ट्राइकोकार्ड भी खेत में लगा सकते हैं। ट्राइकोगामा जपोनिकम जिस ट्राइकोकार्ड में हो उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने खेत के लिए, क्योंकि ट्राइकोगामा जपोनिकम एक कीट होता है जो इस कीट के अंडों को खाता है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।